Today is the second session of our unit 10 labor market. Or as I'm starting with the very first question now without any further delay. Okay. तो कोई भी क्वेश्चन होगा ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो इट कैन बी सॉल्व इजिली ठीक है. लेबर मार्केट का कोई भी क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में छोड़कर नहीं आना है ठीक, राइट ओके. सो देखिए व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, फॉर अ फर्म सेलिंग इट्स प्रोडक्ट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट व्हाट कॉजेज द डिमांड कर्व फॉर एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू बी डाउनवर्ड्स लुकिंग ठीक है. कोई भी फर्म है ठीक है, कोई फर्म है वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है कॉम्पिटेटिव मार्केट में, तो व्हाट कॉजेज द डिमांड कर्व फॉर एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व कैसा होता है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक ठीक है, और उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वांटिटी इधर होती है, वेज इधर होता है ठीक. तो शुरू में क्या होता है कि अगर लेबर की क्वांटिटी बहुत ही कम हो तो वेज हाई रखने होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए. उसके बाद लेबर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट में, देन यू कैन इजीली गेट लेबर एट लोअर वेजेस. तो इसलिए ये जो ग्राफ है ये ऐसा बनता है. तो डिमांड कर्व इज ऑलवेज लाइक दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग. और सप्लाई कर्व कैसा होता है, अगर ये क्वांटिटी है और यहाँ पर हमारा वेजेस है ठीक है, अब अलोंग वाई एक्सिस, तो जितना हम वेज बढ़ाते जाएंगे हमें लेबर की सप्लाई उतनी ज्यादा मिलती जाएगी ठीक है. किसी काम के लिए जैसे जैसे हम वेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे लोग अवेलेबल होते चले जाएंगे काम करने के लिए. तो इसीलिए इसका जो सप्लाई कर्व होता है दैट इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग एंड डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ठीक है. अब देखिए व्हाट कॉजेज द डिमांड कर्व फॉर एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एज मोर ऑफ द फैक्टर इज यूज्ड, मोर डिमांड फॉर ग्रेटर क्वांटिटीज, फॉलिंग प्रोडक्ट प्राइसेस नेसेसरी टू सेल अ लार्ज आउटपुट, नन ऑफ द अबव आंसर्स आर करेक्ट ठीक है. तो देखिए इसमें क्या होता, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉइंट नंबर ए आप देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एज मोर ऑफ द फैक्टर इज यूज्ड. इनफैक्ट ये होगा हमारा आंसर, कैसे होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर देखिए इसके लिए मैं एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देती हूँ ठीक ओके. सपोज कोई एक इंडस्ट्री है, एक फर्म है ठीक है, वहां पर नंबर ऑफ लेबर्स आर वन, इनिशियली वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव. हम नंबर ऑफ वर्कर्स ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ गुड्स विच दे वर प्रोड्यूसिंग ठीक है. एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है ठीक. तो नंबर ऑफ गुड्स ठीक है, नंबर ऑफ गुड्स, तो जब एक वर्कर काम कर रहा था तो नंबर ऑफ गुड्स वे नाइन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे थे, जब दो वर्कर काम कर रहे हैं तो 17 प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे ज्यादा गुड प्रोड्यूस होगा ठीक है. ठीक है राइट, कोई फैक्ट्री है वहां पर हम कोई मशीन प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है. तो अकेला वर्कर जो था वो 9 मशीन प्रोड्यूस कर लेता था, जब दो वर्कर मिले तो 17 मशीन प्रोड्यूस होने लगी, जब तीन वर्कर मिलकर काम कर रहे हैं तो 22 मशीन प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसी तरह से देखिए ये हो रहा है ठीक है, नंबर ऑफ गुड्स ये है. उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब मार्जिनल जब भी आएगा तो आप ये समझिए कि एक वर्कर, और एक वर्कर मतलब जो लास्ट वर्कर होगा वो, तो जो लास्ट वर्कर यहाँ पर क्या है, लास्ट वर्कर है पहला वर्कर, एक ही वर्कर है, तो एक वर्कर जो है वो अकेले कितना प्रोड्यूस करता है, 9 ठीक है. यहाँ पे जब दूसरा वर्कर आ गया तो 17 प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है लास्ट वर्कर से दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ठीक है. जो क्वांटिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है वो लास्ट वर्कर से वो है मार्जिनल प्रोडक्ट. तो एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 9 माइनस 17 विच इज 8, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 8. फिर यहाँ पे देखिए जब तीसरा वर्कर आ गया तो एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है 5. पहले 17 प्रोड्यूस होता था, तीसरा वर्कर के आने से 5 प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है. तो
मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर द थर्ड वर्कर विल बी 5, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर सेकेंड वर्कर विल बी 8, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर फोर्थ वर्कर विल बी हाउ मच 3, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर द लास्ट वर्कर विल बी हाउ मच 25 and 26 1. मार्जिनल प्रोडक्ट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लास्ट वर्कर. ठीक है, ओके, क्लियर. तो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एज मोर द फैक्टर इज यूज, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है. मैंने लास्ट सेशन में भी एग्जाम्पल दिया था कि आपके शॉप में अगर 30 आवर्स का वर्क चाहिए, ठीक है, और एक वर्कर अगर 10 आवर वर्क करता है तो आप कितने वर्कर को रखोगे. तो आप इनफैक्ट 3 वर्कर्स को इम्प्लॉय करोगे. अगर आप 3 से ज्यादा वर्कर को इम्प्लॉय करते हो तो उसका डिमिनिश, उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जीरो हो जाएगी. ठीक है, राइट. अब ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है एमआरपी. नाउ इट कम्स एमआरपी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर. एमआरपी भी आपने पढ़ा होगा, आपको पता है. तो दीज आर डिफरेंट, मार्जिनल प्रोडक्ट ये हो गया और एमआरपी क्या होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट की रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है इनकम, कितना पैसा आ रहा है वो. तो 9 आइटम्स, नंबर ऑफ गुड्स ये थे, यहाँ पर गुड्स है. तो एमआरपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एमआरपी के लिए हमें मार्जिनल प्रोडक्ट को, इसका जो प्राइस है मार्केट में, इससे जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सपोज कि एक गुड्स का दाम है 10 रुपए, एक गुड का दाम है 10 रुपए, तो एमआरपी क्या हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा 90 और यहाँ पे 80. एमआरपी के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, एमआरपी के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लेबर इज 90, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड लेबर इज 80. यहाँ पे एक एक लेबर की बात कर रहे हैं. मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ थर्ड लेबर इज 50, मतलब अगर तीसरा लेबर हम अपने कंपनी में इम्प्लॉय करते हैं तो हमें 50 रुपए का फायदा हो रहा है. 50 रुपए का फायदा नहीं, 50 रुपए की इनकम हो रही है. ठीक है, उसके बाद फोर्थ के लिए अगर हम चौथा वर्कर को अपने शॉप में इम्प्लॉय करेंगे तो 30 रुपए का इनकम हो रहा है एक्स्ट्रा. ठीक है, तो ये पांचवे वर्कर को इम्प्लॉय करेंगे तो 10 रुपए का, सॉरी थोड़ा मैसी हो गया है, 10 रुपए का हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है. तो आई होप अगर कभी भी एग्जाम में आपको मार्जिनल प्रोडक्ट दिखे या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर दिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है. ठीक है, ठीक है, राइट, आई होप इट इज क्लियर. तो डिमांड कब जो होता है वो कम इसलिए भी हो जाता है, देखिए. तो जैसे 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 हम वर्कर्स का नंबर बढ़ाते हैं, देखिए क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी है ये, जब क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो घटता जा रहा है. तो क्वांटिटी बढ़ाने से मार्जिनल प्रोडक्ट घटता जा रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट घटता जा रहा है, इसीलिए लेबर का डिमांड घटता जा रहा है. हम देख रहे हैं कि एक जरूरत से ज्यादा, अगर हम अभी 6 वर्कर रखेंगे तो छठा वर्कर रखने से हमें, मुझे हो सकता है बहुत ही कम रेवेन्यू मिले. तो हम नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाते हैं तो मेरा जो रेवेन्यू है वो घटता जा रहा है. ये समझ में आ रहा है, वर्कर बढ़ाने से रेवेन्यू घट रहा है, इसीलिए जो जब रेवेन्यू घट रहा है तो डिमांड घट रहा है. तो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो डिमांड घट रहा है, तो यही चीज है. व्हाट कॉजेस द डिमांड कर्व टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब डिमांड घट रहा है. ठीक है, तो वो ये होगा, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एज मोर ऑफ द फैक्टर इज यूज्ड. मार्जिनल प्रोडक्ट जो हमारा घटते चली जा रही है, हमें पैसा कम मिल रहा है तो इसीलिए डिमांड भी कम होता जा रहा है. करेक्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने से समझना है, मैंने बेसिक यह समझा दिया है. ठीक है, अब देखिए, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड. अब देखिए कितना इजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पहले पता नहीं था मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है तो ये क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा. अब पढ़ के देखिए, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डैश बाय द डैश. अब मार्जिनल प्रोडक्ट का आपको वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डैश बाय डैश. मार्जिनल, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं होगा, एमआरपी होगा. ठीक है, तो यहाँ पे है कि वैल्यू ऑफ एमआरपी इज कैलकुलेटेड बाय. एमआरपी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एमआरपी को हमने कैसे कैलकुलेट किया है, मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू प्राइस. ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू प्राइस, यहाँ पे भी मार्जिनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी मार्जिनल प्रोडक्ट है, तो इसीलिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होगा. ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बोले, एमआरपी बोले, या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर बोले, एक ही चीज है. ठीक है,
मार्जिनल प्रोडक्ट अलग है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट अलग है। मार्जिनल प्रोडक्ट में हम जब प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं तो एमआरपी मिलता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है मैंने भी आपको क्लियरली समझा दिया। ये वाला टर्म, ये वाला टेबल, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक और कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रही हूँ, जैसे जैसे जो भी कॉन्सेप्ट आएगा समझाते जाएंगे, ताकि लेबर मार्केट एकदम क्रिस्प क्लियर आ जाए और कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो, ठीक है। हम कहते हैं परफेक्ट मार्केट में एमआरपी इक्वल टू एमआरसी होता है, कहते हैं ना। अब इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं, तो एमआरपी इक्वल टू एमआरसी मतलब जितना हमें रेवेन्यू मिल रहा है उतना ही हम लेबर को कॉस्ट देंगे, जो हमारा लेबर को हम उतना ही पैसा देंगे जितना हमें रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू हमें कितना मिल रहा है, 90, 80, 50, 30, 10, मतलब देखिए हम यहाँ पे क्या होता है प्रॉफिट, अपना पैसा नहीं बचा रहे हैं, अपना पैसा नहीं बचा रहे, बस मार्केट से हमें जितना रेवेन्यू मिल रहा है उसको हम लेबर पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। एमआरपी इक्वल टू एमआरसी, ये है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो एमआरपी इक्वल टू एमआरसी, हमें एमआरपी मिल गया, ठीक है, एमआरपी मिल गया। अब हमें एमआरसी, जो हमारी कॉस्ट है एमआरसी कितनी है, तो सपोज एमआरसी हम जो है वो लेबर को कितने भी, ये हम पे डिपेंड करते हैं वेज कितना दे रहे हैं, हम लेबर को कितना वेज दे रहे हैं, लेबर को हम कितना वेज दे रहे हैं। तो सपोज लेबर को हम 45 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है, लेबर को 15 रुपीज दे रहे हैं, सपोज लेबर को हम 15 रुपीज दे रहे हैं हर वर्कर को। तो जब तक एमआरपी इक्वल टू एमआरसी रहेगा, एमआरपी इक्वल टू एमआरसी परफेक्ट मार्केट में होगा, ठीक है। तो वेज अगर हम 15 दे रहे हैं तो 15 × 3 अगर आप देखोगे तो 45 आएगा, ठीक है। तो 45 कहां पर आ रहा है, अराउंड दिस, थ्री वर्कर, जब थ्री वर्कर तो 45, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स जब तीन वर्कर हैं तो हमारा एमआरपी इज इक्वल टू एमआरसी रीच होगा। और इसके बाद हम वर्कर को हायर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लॉस में जा रहे हैं, इसके बाद हम लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। इसके जब फर्स्ट और सेकेंड में क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड में एमआरपी विल बी ग्रेटर देन एमआरसी, हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा है और खर्चा हमारा कम हो रहा है, कॉस्ट क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। और उसके बाद जब तीसरे में जाएंगे तो तीसरे में एमआरपी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है एमआरसी के, ठीक है। तो ऑलमोस्ट परफेक्ट मार्केट कंडीशन है, और हम लोग यहीं तक वर्कर को हायर करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग चौथा या पांचवा वर्कर हायर करते हैं, ठीक है, इनकेस ऑफ 4 और 5 चौथा या पांचवा वर्कर हायर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एमआरपी जो है वो कम हो जाएगा एमआरसी से, ठीक है। हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, हम लेबर को ज्यादा पैसे दे रहे हैं पर हमारा इनकम हो रहा है क्या, हमारा इनकम नहीं हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये लॉस के लिए है, और ये कंडीशन ऐसे में हमें इससे ज्यादा वर्कर को हायर नहीं करनी है। और अगर तो यहाँ पे पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर किसका जीरो होगा, तो इसका हमारा 4 और 5 का हम कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो होगा, तो जीरो होगा या फिर 3 या 10, मतलब जो आइडियल सिचुएशन है उससे कम है। तो हमें इन सबको रखने की जरूरत है ही नहीं, अगर हम एक्स्ट्रा 4 और 5 वर्कर को रखते हैं तो क्या कंडीशन हो जाएगी, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो जाएगी, हिडन एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि अगर हम तीसरे वर्कर तक रखें तब तक ऑप्ट है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, प्लीज कमेंट, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं बता रही हूँ बहुत जरूरी है, और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो लेबर मार्केट का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, क्लार्क केयर क्लासिफाइड लेबर मार्केट इनटू 5 टाइप्स। ये जो क्लार्क केयर पर्सन थे उन्होंने लेबर मार्केट को 5 टाइप में क्लासिफाई किया। कौन कौन से मार्केट था, परफेक्ट मार्केट, न्यू क्लासिकल मार्केट, नेचुरल मार्केट, इंस्टीट्यूशनल मार्केट, मैनेजमेंट मार्केट, बिल्कुल सही है। तो 1 to 5 क्लार्क केयर ने लेबर मार्केट को 5 टाइप में क्लासिफाई किया था, वो है परफेक्ट, न्यू क्लासिकल, नेचुरल, इंस्टीट्यूशनल एंड मैनेजमेंट। ओनली 1, 2, 3, 4, 5 विल बी आवर आंसर। और ये जो स्ट्रक्चर मार्केट और अनस्ट्रक्चर मार्केट है ये क्लासिफिकेशन किसने किया था, एडमंड फिलिप्स। तो ये दोनों आपको नाम पता होना चाहिए। एडमंड फिलिप्स ने बोला था कि लेबर मार्केट दो तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। और क्लार्क केयर ने बोला था कि लेबर मार्केट ये 5 तरह के होते हैं। परफेक्ट मार्केट आपको पता है, हमने लास्ट सेशन में देखा था, ठीक है। न्यू क्लासिकल मार्केट के बारे में भी देखेंगे, नेचुरल मार्केट के बारे में भी वी विल सी इन द नेक्स्ट एमसीक्यूज। इंस्टीट्यूशनल मार्केट क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल मार्केट जैसे कि कोई स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो उनका एक स्पेसिफिक डिमांड होता है, ठीक है। तो कि स्कूल्स में आपको बुक्स चाहिए एंड शूज एंड स्कूल यूनिफॉर्म एंड ऑल, हॉस्पिटल के भी अलग डिमांड होते हैं। तो कुछ मार्केट स्पेसिफिकली हॉस्पिटल सप्लाईज के लिए होते हैं, तो वो सारे इंस्टीट्यूशनल मार्केट हो जाएगा,
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ परफेक्ट मार्केट. इसमें कौन सा परफेक्ट मार्केट का अजम्पशन नहीं है. ठीक है, तो लेबर इज होमोजीनियस, बिल्कुल सही है. ठीक है, लेबर एक ही तरह का होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है. इट इज एन अजम्पशन ऑफ परफेक्ट मार्केट, तो ये तो एक अजम्पशन है. ठीक है, हमें बोलना है कि कौन सा अजम्पशन नहीं है. एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी पोटेंशियल सेलर एंड बायर, बिल्कुल सही है, बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं. परफेक्ट मार्केट के बारे में मैंने अपने लास्ट सेशन में भी क्लियरली बताया है, इफ यू हैव नॉट सीन यू कैन वॉच इट. ठीक है, उसके बाद है सेम वेज रेट, बिल्कुल सही है, वेज रेट सेम होना चाहिए. वेज रेट सेम नहीं होगा तो कॉम्पिटिशन आ जाएगा, कम ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा तो मार्केट इम्परफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिल्कुल सही, कोई टैक्स कोई सब्सिडीज का कोई लॉचा कोई प्रॉब्लम नहीं होता. एमआरसी इज इक्वल टू एमआरपी, बिल्कुल सही है, परफेक्ट मार्केट में जितना भी कॉस्ट है उतना ही हमारा रेवेन्यू है, और इसको मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया था. ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट इनफैक्ट दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट मार्केट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव. ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज होती है परफेक्ट मार्केट की, परफेक्ट मार्केट में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता. ठीक है, और उसके बाद परफेक्ट नॉलेज होता है सेलर को और बायर को, मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है. ठीक है, कि प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, प्रोडक्ट का क्या क्या फायदा है, जो भी हम आइटम बेच रहे हैं उसका क्या क्या फायदा है, उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है, हर चीज सबको बराबर पता होती है. किसी को ऐसा नहीं पता कि प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता है, किसी को कम पता है, ताकि कॉम्पिटिशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिशन परफेक्ट होना चाहिए, हर जगह बराबर होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट ऑल एजम्पशंस आर करेक्ट, वेज रेट इज सेम एज इट इज फिक्स्ड एट एमआरसी इज इक्वल टू एमआरपी, जो वेज रेट होता है वो फिक्स रहता है एमआरसी इज इक्वल टू एमआरपी. ठीक है, परफेक्ट मार्केट का जो कंडीशन होता है वो क्या आइडियल होता है, आइडियल कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होती, मे बी मोमेंटरीली आइडियल सिचुएशन आ जाए, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट हमारी जो है इन रियल लाइफ में इम्परफेक्ट हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट न्यू क्लासिकल मार्केट. न्यू क्लासिकल मार्केट के बारे में क्या क्या चीजें सही है, तो न्यू क्लासिकल मार्केट क्या बोलता है कि मार्केट में इम्परफेक्शन एग्जिस्ट करता है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, लोगों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग होता है मार्केट में. ठीक है, तो इम्परफेक्ट और इनइक्वालिटी दोनों एग्जिस्ट करता है मार्केट में. ऑल वर्कर्स डू नॉट हैव सेम सॉर्ट ऑफ स्किल, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, हर वर्कर के पास अलग अलग स्किल्स होती है. वेजेस टेंड्स टुवर्ड इक्वालिटी फॉर वर्कर्स इन अ गिवन स्किल क्वालिफिकेशन. जो वेजेस होते हैं, अगर कोई गिवन स्किल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कोई वर्कर है, कोई मैसन है, कोई पेंटर है, तो उसमें कोशिश की जाती है कि मैसन के लिए एक रेंज रहे कि इतने पैसे मिलेंगे मैसनरी के लिए, पेंटर के को इतने पैसे मिलेंगे. तो वेजेस टेंड्स टुवर्ड्स इक्वालिटी फॉर वर्कर्स इन अ गिवन स्किल क्वालिफिकेशन, ये भी बिल्कुल सही है. ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है न्यू क्लासिकल मार्केट के लिए, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेचुरल मार्केट. देखिए, न्यू क्लासिकल मार्केट में क्या होता है, न्यू क्लासिकल मार्केट में हम फोकस करते हैं कि हर जगह इनइक्वालिटी है. ठीक है, इम्परफेक्शन है, वर्कर्स के पास स्किल्स जो है वो बराबर से नहीं है. ठीक है, और सेम स्किल्स नहीं है. और नेचुरल मार्केट में क्या होता है, नेचुरल मार्केट में हम ये देखते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं वो इनोसेंट होते हैं और इग्नोरेंट होते हैं. ठीक है, ये देखते हैं. और वर्कर्स आर नॉट कैपेबल टू एनालाइज द एडवांटेज ऑफ अल्टरनेट जॉब, ये भी देखते हैं नेचुरल मार्केट में. एंड डू नॉट डेवलप ग्रज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, तो नेचुरल मार्केट में हमें ये दिखता है कि वर्कर की प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा इनोसेंट है, उनको पता नहीं है कि इस स्किल्स के साथ उन्हें अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है हायर वेज रेट में. ठीक है, और एम्प्लॉयर उनको कितना भी एक्सप्लॉइट करे वो उनके लिए ग्रज नहीं डेवलप करते. तो ये सारा नेचुरल मार्केट का के कैरेक्टरिस्टिक्स है. हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. एंड नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, द स्ट्रक्चर्ड लेबर मार्केट इज बाइंड विथ लेबर लॉज एंड रेगुलेशन. जो स्ट्रक्चर्ड लेबर मार्केट होता है उसमें क्या क्या होता है, या स्ट्रक्चर्ड लेबर मार्केट इज बाइंड विथ लेबर लॉज एंड रेगुलेशन. जो हमने देखा क्लार्क एक्ट जी ने लेबर मार्केट को 5 पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें एक स्ट्रक्चर्ड लेबर मार्केट, सॉरी नॉट क्लार्क एक्ट, एडमंड फेल्प्स ने लेबर मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्ट्रक्चर्ड लेबर मार्केट एंड अनस्ट्रक्चर्ड लेबर मार्केट. तो स्ट्रक्चर्ड लेबर मार्केट में क्या होता है, इट इज बाइंड विथ लेबर लॉज एंड रेगुलेशन, जो कि हमारे इंडिया का है. ठीक है, कि हर रेगुलेशन रहती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है. मिनिमम वेजेस एक्ट है हमारे पास जो कि वेजेस को कंट्रोल करते हैं. वी हैव फैक्ट्रीज एक्ट फॉर लेबर लॉज,
तो ऐसा में स्ट्रक्चर्ड लेबर मार्केट में होता है, ठीक है। और अनस्ट्रक्चर्ड लेबर मार्केट एग्जिस्ट विद नो प्रिस्क्राइब रूल्स और अथॉरिटीज टू रेगुलेट देम। बिल्कुल सही है, अनस्ट्रक्चर्ड लेबर मार्केट में कुछ भी ऐसा कोई रूल्स या अथॉरिटी नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली इन रूरल एरियाज, ठीक है, हाउसमेट्स, जो हाउसमेट्स आती हैं घर का काम करती हैं, ठीक है, कभी कभी आप उनसे घर का एक्स्ट्रा भी काम करवा लेते हो, ठीक है, या कभी कभी उनको फ्री में खाना भी देते हो, ठीक है, डेली, जिसका कोई हिसाब नहीं होता, तो वो क्या होता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड लेबर मार्केट हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेलर इज प्राइस मेकर इन एन इम्परफेक्ट मार्केट, क्या होगा, प्लीज टेल, ये ट्रू है या फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। इन एन इम्परफेक्ट मार्केट सेलर इज हेट्रोजेनस, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता है तो मेहनत नहीं लगेगी, दिमाग में फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर सोचना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो सेलर इज प्राइस मेकर इन एन इम्परफेक्ट मार्केट, मैंने क्या बताया था, आई होप आपने सभी ने कल का जो लास्ट लेक्चर था हमारा लेबर मार्केट पार्ट वन उसको देखा है, क्योंकि उसके बाद ये सेशन देखने में ज्यादा समझ में आएगा। तो सेलर, अगर ये सपोज दिस इज आवर परफेक्ट मार्केट, इसमें बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं, ठीक है, तो परफेक्ट मार्केट में सेलर और बायर क्या होते हैं, दे आर प्राइस टेकर, ठीक है, वो लोग प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर मतलब जो भी मार्केट में प्राइस है, और एक ही प्राइस होगा, प्राइस तो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता, एक ही रहता है, और उस प्राइस को सेलर भी एक्सेप्ट कर लेता है और बायर भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और अगर कोई प्राइस मेकर हो जाएगा, अगर सेलर प्राइस मेकर हो जाएगा, तो सपोज ये एक सेलर है हमारा, वो प्राइस मेकर है, प्राइस मेकर है मतलब प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्राइस को चेंज कर सकता है, प्राइस को बना सकता है, तो प्राइस का सपोज प्राइस को बहुत ज्यादा कम कर दिया, तो प्राइस को बहुत ज्यादा कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, सारे बायर इसके पास आ जाएंगे, बायर इसके पास आ जाएंगे, तो कॉम्पिटिशन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉम्पिटिशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इस एरिया में मार्केट क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे परफेक्ट मार्केट नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल सही है, सेलर इज प्राइस मेकर इन एन इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है, ओके। और क्या होता है, इन एन इम्परफेक्ट मार्केट सेलर इज हेट्रोजेनस, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बिल्कुल यही है कि इम्परफेक्ट मार्केट में सेलर हेट्रोजेनस हो जाता है, ये सेलर अलग हो गया, ये जो सेलर है वो ज्यादा दाम में प्राइस बेच रहा है, उसी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, फिर ये सेलर भी है वो कुछ कम प्राइस में प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलर अगर प्राइस मेकर हो जाता है, सेलर अगर प्राइस मेकर हो जाता है तो वो मार्केट के कॉम्पिटिशन को इन्फ्लुएंस करेगा, सेलर अगर हेट्रोजेनस हो जाता है तो अगर एवरीथिंग इज रिलेटेड, अगर सेलर प्राइस मेकर है तो मार्केट इम्परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और अगर सेलर प्राइस मेकर होगा तो वो तो सेलर हेट्रोजेनस होगा, ठीक है, सेलर हेट्रोजेनस होगा तभी सेलर प्राइस मेकर होगा और तभी इम्परफेक्ट मार्केट हमारा बन जाएगा, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, यू कैन विजुअलाइज इट, ठीक है, आपको दिखना चाहिए, यू शुड बी एबल टू सी ओके क्या चल रहा है, मैम क्या बोल रही है, मार्केट में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तो हमारा आंसर हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट, ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है, कौन सा फॉल्स है, तो मोनोपोली इज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन इंडियन मार्केट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं एक्चुअली लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको याद हो जाए, मोनोपोली एक्सट्रीमली पॉपुलर इंडियन मार्केट, और मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में हमारे पास सिंगल, या विच इज मोनोपोली में सिंगल बायर होते हैं या सिंगल सेलर होते हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड, मोनोपोली में सिंगल बायर होते हैं या सिंगल सेलर होते हैं, तो मोनोपोली में वी हैव सिंगल सेलर, ठीक है, तो हमारा मार्केट ऐसा होता है कि हमारे पास एक ही सेलर होता है। तो अगर हम लेबर मार्केट में देखें तो लेबर मार्केट में सेलर कौन होता है, लेबर मार्केट में सेलर होता है हमारा लेबर, क्योंकि वो अपना लेबर आवर, अपना टैलेंट जो है वो सेल करता है और उसके बदले में उसे वेजेस मिलते हैं, और बायर कौन होता है, बायर होता है एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो लेबर आवर्स परचेज कर रहा है, ठीक है।
मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, मतलब सिंगल लेबर हो गया। मतलब जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक आप MIT से सीख कर आए हो इंडिया में, और आप अकेले हो, आपको और किसी किसी ने भी वो टेक्निक नहीं सीखी है, ठीक है। तो यू आर द सिंगल लेबर, और TCS भी आपको हायर करना चाहती है, आपको विप्रो भी हायर करना चाहती है, और आपको अब जो भी है एंड अदर बायर्स वांट टू हायर। तो ये क्या हो गया, मोनोपोली हो गया, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कोरोनल का भी एग्जांपल लिया था कि जब कोविड आया था तो कोरोनल बस अकेला दवा था और हर कोई उसे खरीदना चाहता था, ठीक है। तो बस वही है मोनोपोली इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, ये गलत हो जाएगा। मोनोपोली जो है वो एक्सट्रीमली रेयर है इंडियन मार्केट में। मोनोपसनी, मोनोपसनी में क्या होता है, सिंगल बायर, एस है, एस मतलब सिंगल, और यहाँ पे हो जाएगा बायर, ठीक है। ये आप किसी भी निमोनिक से याद रख सकते हो, मोनोपोली में सिंगल सेलर SS होता है, और यहाँ पर सिंगल बायर मोनोपोली में SB होगा, मींस बायर कंट्रोल इज मोर इन द लेबर मार्केट। बिल्कुल सही है, अगर सिंगल बायर रहेगा, अगर मार्केट में एक ही बायर रहेगा तो उसका कंट्रोल तो ज्यादा होगा मार्केट में। एक ही बायर मतलब लेबर मार्केट के कंसेप्ट में देखे तो एक ही बायर मतलब एक ही एम्प्लॉयर, तो हमारे पास एक ही एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो वो एक एम्प्लॉयर, मैंने एग्जांपल में बताया था कि एक बहुत बड़ी सिटी है जहां पर एक ही फर्म है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो उसका कंट्रोल होता है यहाँ पर मार्केट में, क्योंकि ये वही रहता है जो कि मार्केट सप्लाई ऑफ लेबर, ये फर्म ही डिसाइड करेगा कि मार्केट सप्लाई ऑफ लेबर क्या होगा, वेज क्या देगा, वेज सर्चर, ठीक है। मोनोपसोनी पे जो मोनोपसोनिस्ट होते हैं वो वेज सर्चर्स होते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से जो वेज रहता है वो अपने हिसाब से वो डिसाइड करते हैं मोनोपसोनिस्ट, ठीक है। तो मोनोपसोनिस्ट और वेज सर्चर्स इस सिटी में जो मन करेगा, जैसा भी मन करेगा, इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयर है वो उतना वेज रख सकता है। बट मोनोपसोनिस्ट में एक और चीज होती है कि नंबर ऑफ वर्कर जैसे बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते जाते हैं तो वेजेस भी बढ़ती जाती है, ठीक है। और वेजेस सबकी बढ़ेगी, आपने अगर 2 वर्कर रखा, उसको 10 रुपए वेज दिए, तो तीसरे वर्कर को आप अगर कॉल कर रहे हो और उसे 15 रुपए वेज दे रहे हो, तो बाकी जो पहले के 2 वर्कर थे उसे भी 15 रुपए वेज देना पड़ेगा, और तीसरे वर्कर को बुलाने के लिए आपको 15 रुपए वेज देना ही पड़ेगा, 10 रुपए में नहीं बुला सकते, क्योंकि मोनोपसोनिस्ट में जो लेबर होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, ठीक है, वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, दे डोंट वॉन्ट टू कम, ठीक है। तो यू विल हैव टू प्रोवाइड अ हायर वेज रेट, ठीक है, सो दैट दे कैन ज्वाइन योर इंडस्ट्री। और अगर हायर वेज रेट आप प्रोवाइड करोगे तो जो पहले के जो लेबर थे 2, आप उनको आपको उनका भी वेज रेट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये था मोनोपसोनी का कॉन्सेप्ट, मोनोपसोनिस्ट और वेज सर्चर्स, बिल्कुल सही है। और मैंने अभी क्लियरली बताया था आपको कि परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में बायर्स और सेलर दोनों क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1, मोनोपोली इज रेयर इन इंडियन मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज फंडामेंटल मिसमैच बिटवीन जॉब अवेलेबल एंड स्किल लेवल ऑफ द एम्प्लॉयड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जॉब अवेलेबल जो है और स्किल लेवल जो स्किल लेवल है लोगों के, दोनों में मिसमैच है, तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में वी सी दिस काइंड ऑफ मिसमैच, ठीक है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, अगर इकोनॉमी में कुछ शिफ्ट हो गया, जॉब मिसमैच हो गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इट ऑकर्स बिकॉज वर्कर्स लैक द रिक्वायर्ड जॉब स्किल्स और लिव टू फार फ्रॉम रीजंस वेयर जॉब्स आर अवेलेबल, ठीक है। अगर एग्जाम में ये बस इतना सेंटेंस भी आता है, बस इतना आता है कि अगर वर्कर जो है वो बहुत दूर रह रहे हैं जहां से जॉब अवेलेबल है, तो वो किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप कहोगे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, राइट। दे कैन नॉट मूव क्लोजर, वर्कर जो है वो पास में नहीं जा सकते, ठीक है, तो वो भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। जॉब्स आर अवेलेबल बट देयर इज सीरियस मिसमैच बिटवीन व्हाट कंपनीज नीड एंड व्हाट वर्कर्स कैन ऑफर, वेरी इंपॉर्टेंट, यही एसेंस है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का, कि ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं रहती, बट जॉब्स रहती है, बट बहुत मिसमैच होता है कि व्हाट कंपनीज नीड एंड व्हाट वर्कर कैन ऑफर, ठीक है, राइट। और इसका रीजन ही क्या होता है, इसका रीजन होता है इकोनॉमिक शिफ्ट, इसका रीजन होता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, इसका रीजन हो जाता है डिस्टेंस, तो यही सब रीजन के कारण व्हाट कंपनीज नीड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वर्कर कैन ऑफर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन हाउ एन इकोनॉमिक फंक्शंस लीडिंग वर्कर्स टू बिकम मार्जिनलाइज्ड, बिल्कुल सही है, ओके। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है,
इससे इट रिप्रेजेंट्स अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन इकोनॉमी, ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी रोबोटिक्स रोबोट्स बहुत सारे मैनुअल वर्कर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी में शिफ्ट हो रहा है कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते थे, जो कि रिपीटेड हैंड मूवमेंट वाला काम करते थे, वो सारा आप वर्कर कर रहे हैं। तो एक शिफ्ट हो रहा है इकोनॉमी में, और जिसमें और वो जो वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स है जो कि अनस्किल्ड वर्कर्स जो रिपीटेड हैंड मूवमेंट वाला काम करते थे, जो जो अभी रोबोट कर रहे हैं उनके बदले, तो दे आर बिकमिंग मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, दे आर बिकमिंग पुअर, ठीक है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, इस पॉइंट को देखिए। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बिकम स्ट्रक्चरल व्हेन दोज आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग अ साइक्लिकल डाउनटर्न नीड टू डेवलप न्यू स्किल्स टू बिकम एम्प्लॉयबल। देखिए जो साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है, वो धीरे 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 स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कैसे होता है, कैसे होगा? तो जब कभी साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब रिसेशन आता है तब, या फिर अभी कोविड के समय क्या हुआ, कोविड के समय जो लोग हैं वो अपने घरों में ज्यादा रह रहे हैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, अब तो होने लग गया, बट सपोज, तो क्या होता है कि जो कोई ऑटोमोबाइल वर्कर है, ठीक है, ऑटोमोबाइल वर्कर है, उसको क्या किया, उसको जॉब से निकाल दिया, वर्कर को जॉब से हमने निकाल दिया कि भाई अब तो ऑटोमोबाइल सब बिक नहीं रही है, तो तुम क्या करो, तुम अभी जाओ, ठीक है, तुम अभी जाओ, और जब इंडस्ट्री, जब दोबारा कोविड खत्म हो जाएगा, देन आई विल हायर यू बैक, हमने ले ऑफ कर दिया। तो एक तरह का साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोज अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर क्या होता है कि सपोज अगर कोविड बहुत ज्यादा रह जाता, ठीक है, एंड लोग जो है वो तो ये जो स्किल है, सपोज अगर लोग बहुत देर तक अनएम्प्लॉयड रह गए, ठीक है, मतलब कि जो सिचुएशन है, अगर कोविड की सिचुएशन ठीक ही नहीं होती, अगर सपोज कोविड की सिचुएशन 4 to 5 years तक कंटिन्यू होती, ये जो वर्कर होता इसको अपना स्किल अपग्रेड करना पड़ता और कोई दूसरा जॉब ज्वाइन करना पड़ता, क्योंकि वो वेट नहीं कर सकता। तो अगर साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट बहुत लंबी हो जाती है तो वो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट बन जाती है, ठीक है। अगर 4 to 5 years तक रहता और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अगर डाउनफॉल हो जाता, ठीक है, बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो जाता, तो क्या होता, तो वर्कर्स को अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ जाती, और ये जो रीजन था साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का, वो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का रीजन बन जाता, ठीक है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, परमानेंटली अगर ये डाउन हो जाती तो ऐसा होता। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, मैं बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए ऐसा कह रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि साइक्लिकल स्ट्रक्चरल में चेंज कैसा होता है। तो साइक्लिकल अगर लॉन्ग टर्म में हो तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मोनोपसनी मार्केट। मोनोपसनी मार्केट मैंने अभी आपको बताया, जो भी चीज अगर मैं बता रही हूँ या तो आप वैसे भी याद रख सकते हो या फिर आप अपने तरीके से कुछ याद रख सकते हो, बट आपको याद रखना है मोनोपसनी मार्केट में क्या होता है। एक सिटी रहती है जिसमें कि एक ही इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, और वर्कर्स इमोबाइल है, ठीक है, तो ओनली ए सिंगल बायर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर, बिल्कुल सही, इमोबाइल वर्कर, ठीक है, फर्म इज वेज मेकर, बिल्कुल सही, एक ही इंडस्ट्री है तो वही वेज सर्चर है, वेज सर्चर को ही वेज मेकर बोलेंगे, तो वही वेज सर्चर है, वही वेज मेकर है, और बाकी जो यहाँ पे लेबर्स है वो वेज टेकर है, बट ऑब्वियसली जैसे जैसे लेबर की संख्या बढ़ती है वेजेस भी बढ़ाने पड़ते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, राइट। आई होप ये सारी चीजें अभी तक आपको याद हो गई हो, ठीक है, आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, ये सारी चीजें आपको याद हो जाए, ठीक। अब मोनोपोली मार्केट इज कैरेक्टराइज बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्राइस मेकर हाई बैरियर्स टू एंट्री। अच्छा, मोनोपोली मार्केट के बारे में दिया है, मोनोपोली मार्केट के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि एक ही लेबर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आती है और बाकी सारे बायर्स हैं, ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, ये जो लेबर है उसको लगेगा कि लेबर इज प्राइस मेकर, कि हम, मेरी डिमांड तो बहुत ज्यादा है तो प्राइस हम अपने हिसाब से रखेंगे, इतनी सैलरी मुझे चाहिए, हाई बैरियर टू एंट्री, ठीक है, क्योंकि कोई और लेबर नहीं होता तो बैरियर होती है एंट्री में, सिंगल सेलर, यही है सिंगल सेलर जो अपना स्किल सेल कर रहा है,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली कैरेक्टराइज इंक्लूड प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्राइस मेकर हाई बैरियर टू एंट्री सिंगल सेलर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है ओके क्लियर हो गया इतना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डैश रिफ्लेक्ट्स अ टेंपरेरी मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर व्हिच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द इकोनॉमी. ठीक है तो अगर डिमांड और सप्लाई में टेंपरेरी मिसमैच होता है तो वो होता है फ्रिक्शनल. ठीक है फ्रिक्शन मतलब जैसे कि थोड़ा फ्रिक्शन हो रहा है कि थोड़ा मोड़ा मिसमैच हो रहा है तो थोड़ा मोड़ा मिसमैच जो इकोनॉमी में हमारे चलता ही रहता है वो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है इज द रिजल्ट ऑफ और ये कैसे होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अगर हुआ. ठीक है कि सपोज आपने क्या किया आपने जॉब को अभी फिलहाल यू आर वर्किंग यू लेफ्ट द जॉब एंड देन यू आर सर्चिंग फॉर अनदर जॉब एंड यू गॉट जॉब आफ्टर 3 months तो वो जो 3 months का गैप हो गया वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में हो गया. जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की जो ट्रांजिशन होते हैं उससे होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है इट अकर्स नेचुरली इवन इन अ ग्रोइंग स्टेबल इकोनॉमी. तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि अगर ग्रोइंग इकोनॉमी है ठीक है स्टेबल इकोनॉमी है ग्रोइंग इकोनॉमी है तो वहां भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता. ठीक है ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. इट डज नॉट इंक्लूड वर्कर हु रिमेन इन देयर करेंट जॉब अंटिल फाइंडिंग अ न्यू वन ऑब्वियसली दे आर नेबर अनएम्प्लॉयड. ठीक है तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में वो सारे वर्कर्स नहीं इंक्लूड होंगे जो जॉब कर रहे हैं ऑब्वियसली जो जॉब नहीं कर रहे वही इंक्लूडेड होंगे दैट इज ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लेबर एट प्रेजेंट इज वेस्टफुली यूज्ड ये क्या सिग्निफाई करता है. तो बस वही कंसेप्ट है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का. यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें भी दिखने लग जानी चाहिए. क्या क्या चीजें दिखने लग जानी चाहिए अगर मैं ये कह रही हूँ और ये सेंटेंस है इससे क्या क्या दिखने लग जाना चाहिए. पहला क्या दिखेगा कि लेबर एट प्रेजेंट इज वेस्टफुली यूज्ड तो जितना जरूरत है हमने उससे ज्यादा लेबर अपने पास रखा है. हमने क्या किया है इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया. हमने क्या क्या किया है हमने लेबर होर्डिंग की है. वी हैव डन लेबर होर्डिंग. ठीक है We have kept extra labor. और वो जो extra labor है उसकी marginal productivity क्या होगी zero होगी. Zero होगी marginal productivity जो extra labor होगा उसका क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है. ठीक है और ये सारी चीजें भी आपको दिखने लग जानी चाहिए. और ये किसमें होता है disguised unemployment में होता है जरूरत से ज्यादा. सपोज थोड़े टाइम के लिए हमें लेबर्स को ले ऑफ करना है. वही ऑटोमोबाइल वर्कर का एग्जाम्पल ले लें कि जब तक इंडस्ट्री हमारी बूम नहीं होती तब तक हम ले ऑफ कर रहे हैं बट हम ले ऑफ नहीं कर रहे हैं. ठीक है वी आर जस्ट कीपिंग द वर्कर्स हम ले ऑफ नहीं कर रहे हैं उन्हें भी अपनी सैलरी दे रहे हैं ताकि बाद में हमें उनकी हायरिंग में कुछ इश्यू ना हो. ठीक है या सो दैट्स इट ये हो गया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन या तो वही मैंने बताया था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इट डज नॉट अफेक्ट एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट. ऑब्वियस सही है 3 वर्कर अगर 30 आवर्स का वर्क कर दे रहे हैं तो 4th वर्कर भी 30 आवर्स का ही वर्क करेगा तो इकोनॉमिक आउटपुट हमारा अल्टीमेटली अफेक्ट तो नहीं हो रहा. ठीक है बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है कि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में हम एक्स्ट्रा लेबर को रखते हैं तो वो एक्स्ट्रा लेबर हमारे प्रोडक्टिविटी में एड तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा है वो नहीं भी रहेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी उतना ही रहेगी. तो इट इज नॉट अफेक्टिंग एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट. इट अकर्स व्हेन प्रोडक्टिविटी इज लो एंड टू मेनी वर्कर्स आर फिलिंग टू फ्यू जॉब्स. ठीक है इट कैन रिफर टू एनी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज नॉट एम्प्लॉयड एट फुल कैपेसिटी. क्या हो जाएगा कोई भी वर्कर हो गया जिसका पूरा टाइम यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है जिसका पूरा स्किल यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है वो सारा आ जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में. ठीक है ओके एनी पर्सन हु वॉन्ट्स टू वर्क फुल टाइम बट ही इज गेटिंग जॉब विच इज ओनली फॉर पार्ट टाइम तो वो क्या हो जाएगा वो एम्प्लॉयड तो है बट ही इज डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड. ठीक है राइट विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंडिफरेंस कर्व. कौन सा इंडिफरेंस कर्व के बारे में सही नहीं है. इंडिफरेंस कर्व के बारे में मैंने बताया था. ठीक है गुड 1 गुड 2 इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ कर्व. ठीक है और हायर द पोजिशन ऑफ कर्व बेटर इट इज फॉर द कस्टमर. बिल्कुल सही अगर हायर द पोजिशन होगा कस्टमर का तो उसे ज्यादा नंबर ऑफ गुड 1 भी चाहिए होगा और ज्यादा नंबर ऑफ गुड 2 भी चाहिए होगा तो इट इज बेटर फॉर द कस्टमर. बिल्कुल सही है इन अ सिंगल कर्व ऑल द पॉइंट गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर. बिल्कुल सही है इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे कस्टमर को कंज्यूमर को और इसमें भी इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे बट इसमें जितना सेटिस्फेक्शन रहेगा सेटिस्फेक्शन इसमें ज्यादा रहेगा क्योंकि ये हायर है. इसको बेटर समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं उसमें मैंने क्लियरली विथ एग्जाम्पल समझाया है इसे.
इंडिफरेंस कर्व है डाउनवर्ड स्लोप, बिल्कुल ये जो स्लोप है वो क्या है, वो डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। टू कमोडिटीज हैव अ डायरेक्ट रिलेशन, नहीं, यहाँ पे जो दो कमोडिटीज होते हैं गुड वन और गुड टू, इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इसका इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी कि गुड वन अगर ज्यादा, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, फोर टॉयज, अ बॉय नीड फोर टॉयज, देयर इज वन चाइल्ड हु नीड्स फोर टॉयज टू बी हैप्पी, ठीक है। तो आप उसे वन डॉल दे दो या फिर थ्री गन दे दो, ठीक है, या फिर थ्री गन, या फिर थ्री डॉल दे दो, वन गन दे दो, तो वो हर किसी से उतना ही खुश हो जाएगा, ही विल जस्ट काउंट आई हैव फोर टॉयज, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो हो गया उसमें क्या हो गया, एक एडवर्स रिलेशन होता है। टू कमोडिटीज हैव एन एडवर्स रिलेशन, व्हेन वन इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व में जो भी ग्राफ होता है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन और इक्वल यूटिलिटी होती है कंज्यूमर के लिए। ओके, बिल्कुल सही है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ द प्राइस ऑफ अ फर्म प्रोडक्ट फॉल्स द फर्म डिमांड फॉर लेबर कर्व, देखिए क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक। प्राइस ऑफ अ फर्म, फर्म्स प्रोडक्ट फॉल्स, कोई भी फर्म है उसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फॉल हो गया है, द फर्म डिमांड फॉर लेबर कर्व क्या होगा। देखिए डिमांड का एक ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया डिमांड का ग्राफ, ठीक है, ओके, ये हो गया, ठीक। एंड नेक्स्ट, अगर जो प्रोडक्ट यहाँ पे वेजेस हैं और यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है, तो जैसे जैसे क्वांटिटी हमारी पहले दो थी तो वेजेस ये थे, अब क्वांटिटी दस हो गई है तो वेजेस कम हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। अब क्या होता है कि जो फर्म का प्रोडक्ट है वो फॉल हो जाएगा, तो फर्म के पास प्रोडक्ट फॉल हो गया मतलब फर्म अब प्रॉफिट नहीं बना रही, फर्म जो है वो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, उसके पास पैसे कम हो गए, तो वो पैसे कम हो गए तो वो क्या करेगी, वो वेज देना कम कर देगी, तो वेज देना कम कर देगी, तो जो क्वांटिटी है लेबर की, क्वांटिटी में तो कोई कमी नहीं होगी, क्वांटिटी तो उतना ही रहेगा, वो पैसे देना कम कर देगी, तो पहले जो वर्कर को पैसे देती थी अब क्या करेगी, वो वेजेस कम कर देगी, पहले दो वर्कर को ये दिस अमाउंट ऑफ वेज इट यूज टू गिव, नाउ इट विल गिव दिस, अगर 10 वर्कर को वो दिस अमाउंट ऑफ वेजेस द फर्म यूज टू गिव, अब वो और कम कर देगी, ठीक है। तो जो ग्राफ हो जाएगा, ग्राफ हमारा नीचे की ओर खसक जाएगा, ग्राफ हमारा ओरिजिन टुवर्ड्स ओरिजिन, इट विल गो टुवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि हमारे जो वेजेस है वो कम होते जा रहे हैं और फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो वेजेस कम कर देगी, तो फर्म डिमांड्स फॉर, तो यहाँ पे लेबर कर्व में हम देखेंगे द फर्म्स डिमांड फॉर लेबर कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, ठीक है, वो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, इट इज शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो फर्म्स डिमांड फॉर लेबर कर्व, तो ये तो होगा, अब यहाँ पे एक्चुअली द क्वेश्चन इज द फर्म्स डिमांड फॉर लेबर कर्व, तो जो डिमांड फॉर लेबर, यस, यही है डिमांड फॉर लेबर का कर्व, और वो जो कर्व है वो कब शिफ्ट हो रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, पॉइंट नंबर ए विल बी आवर आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज द समेशन ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दैट एक्सक्लूड साइक्लिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो है कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द सम ऑफ फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट माइनस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब कि अगर आप स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से साइक्लिकल और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हटा देते हो तो व्हाट यू विल गेट नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, राइट। तो दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाँ देखिए नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और भी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इट इज द लोवेस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अ स्टेबल इकोनॉमी कैन एक्सपेक्ट टू अचीव, ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल, अगर इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाती है, मान लीजिए इंडिया की इकोनॉमी एकदम स्टेबल हो गई, बहुत बढ़िया हो गई, तो बहुत बढ़िया भी हमारी इंडिया की इकोनॉमी हो जाएगी तब भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा,
मैंने बताया था हल्का फुल्का अनएम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए, जिससे कि पता चले कि आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, आपके टेक्नोलॉजिकली आप आगे बढ़ रहे हो। तो जो अगर स्टेबल, अगर इंडिया की इकोनॉमी बहुत बढ़िया हो जाती है तो उसके बावजूद जो छोटा मोटा अनएम्प्लॉयमेंट बचा रहेगा, थोड़ा मोटा अनएम्प्लॉयमेंट जो बचा रहेगा इन स्टेबल इकोनॉमी, तो वही होता है हमारा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द लोवेस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट स्टेबल इकोनॉमी कैन एक्सपेक्ट टू अचीव, given that some frictional and structural unemployment is inevitable. थोड़ा frictional और थोड़ा structural unemployment जो है वो हट ही नहीं सकता, inevitable मतलब हट नहीं सकता, थोड़ा frictional unemployment भी रहेगा ही रहेगा, थोड़ा structural unemployment भी रहेगा ही रहेगा। अगर आप समझिए, देखिए कि क्यों रहेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। structural unemployment इसलिए रहेगा क्योंकि technology आगे बढ़ रही है, technology आगे बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ worker जो है वो obsolete होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इट इज इनएविटेबल, मतलब इनएविटेबल मतलब क्या होता है, मतलब कि इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता, इसे नकारा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल मतलब रहेगा ही, ठीक है, राइट। सो यस, क्वेश्चन नंबर 18, डैश एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज ए स्टेट वेयर देयर आर स्लाइटली मोर वैकेंट जॉब्स देन द अवेलेबल वर्कर, सो पीपल हु लूज जॉब कैन फाइंड न्यू वंस इमीडिएटली। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जितना जितने भी जो नंबर ऑफ जॉब्स है वो ज्यादा है अनएम्प्लॉयड पीपल से, तो क्या होगा, जैसे ही कोई बंदा अनएम्प्लॉयड होगा उसको तुरंत जॉब मिल जाएगी, फिर कोई अनएम्प्लॉयड हुआ उसे तुरंत जॉब मिल जाएगी, ठीक है। सो पीपल हु लूज जॉब कैन फाइंड न्यू जॉब इमीडिएटली, और ये कॉन्सेप्ट होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे आपने देखा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है तो वहां पर आपको यही समझ जाना चाहिए कि जॉब बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ही कम है, तुरंत लोगों को जॉब मिल जाएगी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, या और ये जो ये देखिए यहाँ पर मैंने नोट बना दिया है, फुल एम्प्लॉयमेंट इन अ फ्री सोसाइटी इज अ बुक बाय विलियम बेवरेज, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच ऑल अवेलेबल लेबर रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल, ठीक। Full employment embodies the highest amount of skilled and unskilled labor that can be employed within an economy at any given time. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा मोटिव ये होता है कि कोई अनएम्प्लॉयड रहे ही नहीं, जितने भी लोग हैं वो सबके सबको जॉब मिले और अच्छी जॉब मिले जिससे कि उनका स्किल्स जो है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो, ठीक है। Economists define various type of full employment based on their theories as targets for economic policy. Okay, no issue. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डैश डीपली एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेड दैट मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो देखिए कौन थे, द पर्सन वॉज लॉर्ड केनिस। तो लॉर्ड केनिस ने डीपली एनालाइज किया कि प्रॉब्लम होती क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्यों है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए होता है क्योंकि जो इम्प्लॉयर होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो फर्म्स होते हैं, ठीक है, उनके पास डिमांड ही नहीं होती, उनके पास वर्कर्स की डिमांड ही नहीं होती। तो वर्कर्स की जैसे वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती चली जाती है, तो यही है डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अगर आपसे अगर कॉन्सेप्ट भी कभी पूछा जाए कि इफेक्टिव डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड की थ्योरी किसने दी थी, तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड केनिस। तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी और उन्होंने बताया था कि डिमांड को हमेशा ज्यादा रहेगा, अगर इंप्लॉयर के पास डिमांड ज्यादा रहेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास डिमांड ज्यादा रहेगा, फर्म के पास डिमांड ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो इंप्लॉयर के पास डिमांड ज्यादा कब रहेगा, इंप्लॉयर के पास डिमांड ज्यादा तब रहेगा जब उसका जो इंडस्ट्री है उसका एक्सपेंशन होता रहेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं और उसका वो अपने नए ब्रांचेस एस्टेब्लिश करती रहेगी, मतलब इकोनॉमी फ्लोरिस होती रहेगी, ठीक है। अगर नई इंडस्ट्री बनती रहेगी, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था सरकार रोड बनाती रहेगी, तो जो वर्कर्स हैं उनको जॉब मिलता रहेगा, राइट। तो एवरीथिंग शुड बी मूविंग, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट को मार्केट में मूवमेंट बनाए रखने के लिए, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नई नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करना पड़ेगा ताकि जो इफेक्टिव डिमांड है वो बना रहे। तो जब डिमांड रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स आर नॉट करेंटली सीन इन एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया, सो विल सी। इंक्रीज्ड वुमेन फोर्स पार्टिसिपेशन, यस इट इज ट्रू।
अंडर एम्प्लॉयमेंट इट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, जितना काम हम कर सकते हैं उससे हम कम ही काम कर रहे हैं, ठीक है. अ पर्सन हु हैज गॉट इन फैक्ट एमटेक और पीएचडी इज डूइंग सम बीटेक लेवल ऑफ वर्क, ऐसा भी होता है बहुत ज्यादा, तो इट इज ओके. अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है इंडिया में. उसके बाद ग्रोइंग एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर, बिल्कुल सही है, इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अभी ग्रो कर रहा है. इंक्रीज डिमांड फॉर अनस्किल्ड मैन पावर, नहीं ऐसा नहीं है, अनस्किल्ड मैन पावर का डिमांड अभी नहीं है, जो क्योंकि अनस्किल्ड मैन पावर जो है वो अभी रोबोट्स एंड ऑल या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू हैंडल हो जाते हैं. जो मैन पावर की जो डिमांड है वो अभी स्किल्ड मैन पावर की ही डिमांड है, अनस्किल्ड की नहीं है. तो पॉइंट नंबर डी विल बी आवर आंसर, ठीक है, राइट, दिस इज नॉट द ट्रेंड. क्वेश्चन नंबर 21, फॉर विच मार्केट द कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग मार्केट सप्लाई कर्व, बताइए. इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने अपने लास्ट सेशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है. देखिए क्या होता है मोनोपसनी में, मोनोपसनी में दिस इज अ नॉर्मल सप्लाई कर्व, नॉर्मल सप्लाई कर्व होता है, पर मोनोपसनी में जो सप्लाई कर्व हो जाता है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, वो इधर आ जाता है. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, हेयर वी हैव क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड हेयर वी हैव द वेज विच वी आर गिविंग. तो मोनोपसनिस्ट में, मोनोपसनिस्ट में क्या होता है कि वे इसलिए होता है कि जैसे 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 जो क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ वर्कर है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वर्कर पहले कितने थे, या वन सेकेंड, दो थे, ठीक है. तो आप सपोज यू आर गिविंग दिस अमाउंट ऑफ वेज, और उसके बाद अगर आपने क्वांटिटी ऑफ वर्कर दो से ज्यादा चार कर ली तो आइडियली यू शुड बी गिविंग दिस अमाउंट ऑफ वेज, लेकिन सॉरी दिस ग्राफ इज नॉट वेरी क्लियर. तो आइडियली शुड बी गिविंग दिस अमाउंट ऑफ वेज, लेकिन चार वर्कर है तो आपको अपना वेज बढ़ाना पड़ेगा. एज यू आर इंक्रीजिंग, एज यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर यू आर इंक्रीजिंग वेज ऑल्सो, तो आपको वेज बढ़ाना पड़ रहा है. तो जो ग्राफ है वो इधर शिफ्ट होता चला जाता है, क्योंकि आप हर बार वेज बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ वर्कर को बढ़ा रहे हो आप वेज को भी बढ़ा रहे हो. मोनोपसनी में ऐसा होता है जहां पे होता है सिंगल बायर, ठीक है, इसीलिए इट इज अपवर्ड स्लोपिंग मार्केट सप्लाई कर्व किसका होगा, मोनोपसनी का होगा. मोनोपसनी फेसेस द अपवर्ड स्लोपिंग मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है. इट इज अ वेज सर्चर रैदर देन अ वेज टेकर, ये सारी चीजें मैं कई बार बता चुकी हूँ. इफ द मोनोपसनी वॉन्ट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर इट हायर, इफ द मोनोपसनी वॉन्ट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर दैट इट हायर, इट मस्ट इंक्रीज द वेज, ठीक है, इट मस्ट इंक्रीज द वेज. अगर आइडियल सिचुएशन में इतना वेज देता था, अब एक एक क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ रही है तो वेजेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे. देखिए वेजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर क्वांटिटी बढ़ेगी तो वेजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जो ग्राफ है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा टू मैच दिस, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है. When laser becomes costly, जब laser costly हो जाता है, worker tends to substitute more work hours for fewer laser hours in order to consume the relatively cheaper consumption goods. It sacrifices. तो देखिए दो इफेक्ट होता है, एक होता है इनकम इफेक्ट और एक होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. तो इनकम इफेक्ट मतलब क्या होता है, इनकम इफेक्ट मतलब कि चेंज इन गुड बेस्ड ऑन इनकम, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ गई तो आप यू स्टार्टेड ईटिंग कॉस्टली फूड, ठीक है, आपकी इनकम घट गई तो यू हैव स्टॉप्ड ऑर्डरिंग फ्रॉम आउटसाइड, यू हैव स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन होम फूड, ठीक है. तो इनकम के बढ़ने और घटने से जो आपकी चॉइसेस में जो डिफरेंस होता है, जो आपके गुड्स में डिफरेंस होता है, दैट इज व्हाट इज इनकम इफेक्ट, ठीक है. और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में देखिए दिस इज व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. When laser becomes costly, worker tend to substitute more work hour for fewer laser hours in order to consume the relatively cheaper consumption goods. ठीक है? देखिए, substitution effect is the decrease in sale for a product that it can be attributed to consumer switching to cheaper alternative when its price rises. अगर किसी चीज का price rise हो जाता है, ठीक है, substitution effect में क्या होता है कि suppose you used to drink Maza और Maza का price rise हो गया, बहुत ज्यादा rise हो गया, तो आपने क्या किया, आपने फिर स्विच कर लिया पेप्सी पे, पेप्सी पे स्विच कर लिया क्योंकि पेप्सी का जो प्राइस था वो राइज नहीं हुआ. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यही होता है कि अगर प्राइस राइज हो गया तो आप उसको किस चीज से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो. तो वही है, देखिए जब व्हेन लेजर बिकम्स कॉस्टली, यहाँ पे क्या हो गया, लेजर का प्राइस ज्यादा हो गया, ठीक है. तो लेजर का प्राइस ज्यादा हो गया मतलब कि आपके पास फ्री टाइम नहीं है, ठीक है. तो वर्कर टेंड्स टू सब्स्टिट्यूट मोर वर्क आवर,
तो वर्कर क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं फॉर फ्यूअर लेजर आवर्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंज्यूम द रिलेटिवली चीपर कंजम्पशन गुड्स. वर्कर्स ज्यादा काम कर रहे हैं, वर्कर्स नीड टू सब्स्टिट्यूट मोर वर्कर आवर्स फॉर फ्यूअर लेजर आवर्स. ठीक है, आपके पास सपोज 4 आवर्स यू आर फ्री, तो यू आर वर्किंग मोर एंड यू आर ओनली फ्री फॉर 2 आवर्स नाउ. ठीक है, तो द वर्कर्स नीड टू सब्स्टिट्यूट मोर वर्किंग आवर्स फॉर फ्यूअर लेजर आवर इन ऑर्डर टू कंज्यूम द रिलेटिवली चीपर कंजम्पशन गुड्स. ठीक है, सिंपल, फिर से मैं बता रही हूँ. ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बता रही हूँ. ठीक है, देखिए लेजर है और वर्क आवर है. ठीक है, तो अगर आप ज्यादा टाइम और सपोज आप लेजर इन 24 आवर्स, आप 12 आवर्स दे रहे हो लेजर पे और वर्किंग पे 12 आवर्स दे रहे हो. वर्क आप 12 घंटे काम कर रहे हो और 12 घंटे आप लेजर पे दे रहे हो, आराम कर रहे हो. आपको अगर चीपर कंजम्पशन गुड्स चाहिए, अगर आपका जो गुड्स है आपको पैसे बचाने हैं, यू वॉन्ट टू सेव मनी, यू वॉन्ट टू बाय चीपर कंजम्पशन गुड्स, तो आप क्या करोगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम नहीं हो रही है. ठीक है, वन सेकेंड, यस, लेट मी जस्ट रिकलेक्ट. तो देखिए, इफ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर मनी, आपके पास पैसे कम है, तो वॉट यू विल डू, यू विल गो फॉर चीपर गुड्स. ठीक है, cheaper goods and you will try to work more. आप जो है वो काम ज्यादा करोगे, आप वर्किंग आवर को 12 की जगह 14 आवर्स कर दोगे, ताकि आपके पास so that you can get more money, ताकि आप फिर बाद में ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीद सको. ठीक है, तो बस वही है हमारा यहाँ पर इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. यहाँ पर दोनों हो जा रहा है, इनकम इफेक्ट भी हो जा रहा है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी हो जा रहा है. तो ये आपको ध्यान देना है बस लेबर और वर्किंग आवर का, कि अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं ताकि आप एक्सपेंसिव गुड्स खरीद सके, तो आपको लेजर कम करना पड़ेगा, वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज इट. ओके, यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एक ये एग्जाम्पल के थ्रू, ये क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझ में आ जाएगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर. इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम होता है हमारे वर्किंग आवर. ठीक है, एंड हियर वी हैव वेज. तो जैसे जैसे आप जितना ज्यादा टाइम कंट्रीब्यूट करोगे, वर्किंग आवर है. ठीक है, आप वर्किंग आवर आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट, जैसे जैसे आप वर्किंग आवर बढ़ाते जा रहे हो आपका वेज बढ़ता जा रहा है. ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है, वर्किंग आवर बढ़ता जा रहा है तो वेज बढ़ता जा रहा है. उसके बाद क्या हुआ कि आप थोड़े कम्फर्ट लेवल पे आ गए, कि आपको लगा कि चलो आपको 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, 20 लाख सपोज मेरे पास तो बहुत ज्यादा है, अब मुझे इतना ज्यादा काम करने की जरूरत है नहीं, मुझे पैसे तो मिल ही रहे. या फिर आप कंपनी के एक बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए हो, यू हैव बिकम द सीईओ, आपको आपके 20 लाख इनकम है, तो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट रिड्यूसिंग योर वर्क आवर. आप अपना वर्क आवर रिड्यूस करने लग जाओगे, कि आपको लगेगा कि चलो ठीक है, अब पहले तो मैं इतना घंटे काम कर लेता था तो मुझे इतने पैसे मिलते थे, अब मैं थोड़ा कम काम भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, और जितना मुझे वेज चाहिए था उतना मुझे मिल रहा है. ये क्या हो जाता है, ये बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है. ठीक है, तो इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर, दिस इज व्हाट इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर. ठीक है, और वो इज बैकवर्ड बेंडिंग शिप, दिस इज नॉट फॉरवर्ड बेंडिंग, इट इज बैकवर्ड बेंडिंग ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ इनकम इफेक्ट ओवर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी इनकम ज्यादा हो रही है, तो इनकम ज्यादा हो रही है तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट का डोमिनेंस हो गया है. ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, आप जो है वो वर्किंग आवर को कम कर रहे हो, वर्किंग आवर ओवर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एट हाई वेज लेवल पे. ठीक है, इन इकोनॉमिक्स अ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर और बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई लेबर कर्व इज अ ग्राफिकल डिवाइस शोइंग अ सिचुएशन इन विच एज रियल वेजेस इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल. इस लेवल के बाद जैसे ही हमारा रियल वेज इंक्रीज हो जाता है, पीपल विल सब्स्टिट्यूट लेजर फॉर पेड वर्क टाइम. देखिए इस सेंटेंस का मतलब समझिए, यही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ठीक है,
पीपल विल सब्स्टिट्यूट लेजर फॉर पेड वर्क टाइम, कि मतलब कि जितने घंटे वो काम करते थे वो अब वो उतने अब उतना टाइम नहीं कर रहे, पहले वो 10 घंटे काम करते थे वो 6 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब वो वर्किंग आवर को लेजर आवर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सो हायर वेजेस लीड टू अ डिक्रीज इन लेबर सप्लाई एंड सो लेस लेबर टाइम बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल, और यहाँ पे क्या होता है लेस लेबर टाइम हमें मिल रहा होता है। तो दिस इज व्हाट इज बैकवर्ड बेंडिंग शेप ऑफ इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर, ठीक है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनविजिबल हैंड थ्योरम। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है कि इनविजिबल हैंड थ्योरम किसने दिया था, तो हमारा आंसर है एडम स्मिथ। अब इससे रिलेटेड इक्वेशन आता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड इक्वेशन है जो कि पक्का आएगा, वो है ये कि एडम स्मिथ ने किस बुक में बताया था, किस बुक में बताया था इंडिविजुअल हैंड थ्योरम के बारे में। तो एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी कौन सी, द वेल्थ ऑफ नेशन, और इस बुक में एडम स्मिथ जी ने क्या किया था, इनविजिबल हैंड थ्योरम के बारे में बताया था, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। यू शुड रिमेम्बर दिस बुक, दिस क्वेश्चन विल श्योर कम, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इंडिविजिबल हैंड थ्योरम इस बुक में था। ये भी आप पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंजम्पशन एंड लेजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर हमारा कंजम्पशन हो जाएगा और यहाँ पर हमारा लेजर हो जाएगा, और ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स अप नहीं, इंडिफरेंस कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कन्वेक्स होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इट क्रॉसेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है देयर इज एन इंडिफरेंस कर्व थ्रू ईच पेयर ऑफ लेजर एंड कंजम्पशन, बिल्कुल सही है, ओके। जितने भी लेजर और कंजम्पशन के पेयर होंगे, ठीक है, हर किसी के लिए एक एक इंडिफरेंस कर्व होगा, ठीक है। यू हैव इनफैक्ट इन टोटल यू हैव 10 आवर्स, आप लेजर के लिए 4 आवर दे रहे हो और कंजम्पशन के लिए 6 आवर दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप लेजर के लिए 2 आवर दे रहे हो और कंजम्पशन के लिए 8 आवर्स दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा इस पर, ठीक है, इसी कर्व पर होगा, 10 आवर्स होगा, दोनों को सम करेंगे तो 10 आवर्स आ जाएगा, ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स होंगे वो 10 आवर्स होंगे। तो देयर इज एन इंडिफरेंस कर्व थ्रू ईच पेयर ऑफ लेजर एंड कंजम्पशन, ये बिल्कुल सही है, एंड इट क्रॉसेस द ओरिजिन, ये गलत है, ठीक है, या सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम।